पोस्चर, ये जो आपका पोस्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें तकरीर के दौरान। इसके पीछे आपका पोस्चर नजर नहीं आता, यहाँ पर पोस्चर नजर आता है। अब जरा देखिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अंदर एतमाद पैदा करें। अगर आप एतमाद वाले आदमियों की बॉडी लैंग्वेज, उनके पोस्चर को देखें, तो उनके कंधे इस तरह पीछे को और छाती उठी होती है जब वो यूं होते हैं, छाती निकली होती है। एतमाद वाला बंदा यूं होता है या यूं होता है, छाती उठी होती है, सर उठा हुआ होता है, ये उसकी निशानियां होती है ना। अच्छा, वो अपने आप को छुपा के ऐसे करके होता है या वो ओपन होता है, यूं करके होता है या यूं होता है, ओपन, हर चीज से ओपन पोस्चर, ये कॉन्फिडेंस शो करता है। जब आप बुजदिल आदमी देखते हैं, शायद किसी ड्रामे फिल्म में देखा हो, टीवी में देखा हो, या सचमुच की जिंदगी में देखा हो, बुजदिल आदमी को दिखाते हैं तो बुजदिल आदमी के कंधे और छाती किस तरह से होती है, उसकी आंखें किस तरह से होती है। मक्कार आदमी दिखाते हैं तो उसकी आंखों का खास पोस्चर होता है, हर बॉडी एक चीज डिलीवर कर रही होती है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड, इनका आपस में रहता है। आप जो माइंड में सोचते हैं वो बॉडी पर आता है, और अक्लमंद लोग, माहिर लोग इसे उल्टा भी कर लेते हैं। दिमाग में जो मर्जी चल रहा हो, अगर आप अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं तो दिमाग की कैफियत चेंज हो जाती है। अभी हम तजर्बा करेंगे, ये बड़ा मजे का काम है। मिसाल के तौर पे उदास होने के लिए, परेशान होने के लिए, गमजदा होने के लिए, खौफजदा होने के लिए कंधों का झुकना और छाती का अंदर जाना और आंखों का नीचे आना जरूरी है, राइट? मैं बड़ा खौफ महसूस कर रहा हूं आजकल, हो सकता है खड़े हो जाइए प्लीज। अपनी बॉडी के जरिए दिमाग को मुस्बत मैसेज दीजिए, बॉडी के जरिए इत्मीनान का, कॉन्फिडेंस का, और जुबान से ये हो कि नहीं, मुझे तो आज बहुत डर लग रहा है, मैं तो बहुत खौफजदा हूं। बॉडी के जरिए छाती निकाल के, सर उठा के, गर्दन निकाल के, बॉडी के जरिए दिमाग को मुस्बत मैसेज जाए, जुबान के जरिए दिमाग को नेगेटिव मैसेज जाए कि यार नहीं नहीं मैं तो बहुत डरा हुआ हूं। और आप देखेंगे कि दिमाग बॉडी की बात मान रहा है कि जुबान की, करके देखे जरा जी, अपने आप को जरा कॉन्फिडेंस लेवल पे रखे। बॉडी से मैसेज जाएगा यकीन का, एतमाद का, और जुबान से जगह नहीं नहीं मुझसे कहा होना है ये काम। अब आप मुझे बताइए ऐसा हो रहा है? अब इसे उलट करें, बॉडी को झुकाएं, कंधे अंदर करें, छाती अंदर करें, मुंह को एक तरफ यूं करके लटका लेगा जब बड़ा थका आ रहा, मायूस होता है, और फिर खुद से मुझे तो बड़ा एतमाद है यार अपने ऊपर, मैं बड़ा पूरे एतमाद आदमी हूँ, कह के देखे अपने आप को, अपने अंदर से दिमाग कहेगा यार क्या क्या बात कर रही है, आपको देख लिया कैसे हो सकता है, कह के देखे। तो सचमुच वो अपने बॉडी में वो चीज लेके आए जो मैं कह रहा हूँ, उदासी, परेशानी, नाकामी बॉडी में लेके आए, सर को झुका के, गर्दन झुका के, एक तरफ को यूं करके, यार मैं तो बड़ा पूरे एतमाद हूँ जी, खुशी बैठे। अब मुझे बताइए नतीजा क्या निकला बॉडी से? अच्छा, अब आपके अंदर बेशक यहां पे डर चल रहा है, यहां पे डर चल रहा है, यहां पे दिल धड़क रहा है खौफ के साथ, वो तो आपको पता है। अब आप अगर अपनी बॉडी से दिमाग को मुस्बत मैसेज देना शुरू कर दे, मेरे पास जब लोग इलाज के लिए आते थे, जब मैं थीसिस लिख रहा था ना अपना, तो मुझे थेरेपी करनी पड़ती थी साथ, मुझे थेरेपी का शौक नहीं है, मजा भी नहीं आता, वो और तरह का मिजाज होता है, मेरा स्टेज का मिजाज है, पर उस वक्त मजबूरी थी, करना पड़ता था। जब डिप्रेशन के मरीज मेरे पास आते थे, सब डिप्रेशन बहुत है ना, मैं कोई दवाई देता था ना कुछ और करता था, उनका पोस्चर सीधा करवाता था, कमर सीधी करो, अपनी छाती पीछे करो, ऊपर देखो, हाँ अच्छा बताओ डिप्रेशन किस बात पे होता है? सर पता नहीं, कभी कभी होता है। अब उस पोजिशन में आके मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता था, डिप्रेशन को बताने के लिए, डिप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वो खास बॉडी लैंग्वेज चाहिए, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ आजकल, इसमें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अपने पोस्चर को बाएतमाद पोस्चर बनाए, अच्छे स्पीकर का पोस्चर देखे कैसा होता है, हीरो का पोस्चर देखे, कामयाब सिपा सालारों का पोस्चर देखे कि वो किस पोस्चर में बात करते हैं, बंद पोस्चर, जिसको पे हाथ डालने पोस्चर, ये नाकाम और डरे हुए लोगों के होते हैं, ओपन पोस्चर, हाथ ओपन, छाती ओपन, फेस आदमियों के साथ करके जो बात कर रहे हैं उसके साथ एक कॉन्फिडेंस जो होता है, और आदमियों आपको अपने क्रीज महसूस करती है। और आपने भी तजर्बा भी करके देखा कि बॉडी चेंज करने से जेब के ख्याल चेंज हो रहे हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज से एतमाद और वकार का तासुर है, बहुत ज्यादा इतराब आप हो, अकेले यू यू हो रही है, हाँ तो यू हुआ, फिर यू हुआ, फिर यू हुआ,
जब हम स्टूडेंट्स को फन किताबों से खाते हैं ना, हम ये चीज बोर्ड डाल देते हैं, मशरिक से मगरिब तक, जमीन से आसमान तक, वो इतना ज्यादा वो कर रहा होता है, ऊपर नीचे कर रहा होता है कि वो उस पर नजर भी नहीं टिकती। तो स्टूडेंट लेवल तक, मैट्रिक तक शायद ये चीजें अच्छी लगती है, जज जो देख रहे होते हैं उनके नजदीक ये चीजें नंबर भी दे रहे होते हैं शायद। मगर जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, वो एडल्ट पब्लिक स्पीकिंग है, वो लोग आपकी एक एक हरकत को देखते हैं कि उसमें इज्तिराब है या सुकून है, उसमें बेचैनी है या उसमें एतमाद है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो मैसेज कन्वे करना है जो आप कन्वे करना चाहते हैं।